गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो Y3S के अंदर हम किस प्रकार से गाइस हमारे जो बटन आप देखेंगे यहाँ पे बैक और होम बटन का आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है इनको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले हमको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर। तो चलिए गाइस हम अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। और नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद गाइस सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 बटन देखने को मिलता है आपका, जो कि अगर आपका लेफ्ट और राइट करना है तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड की तरफ बैक बटन ले आ सकते हैं, और राइट हैंड की तरफ करना है तो राइट हैंड की तरफ आप बैक बटन ले आ सकते हैं। ओके, तो गाइज ये 3 बटन नेविगेशन है। आप चाहें तो इसको जेस्चर नेविगेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे गाइज आप जेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ से जो बटन है गाइज ये वाले, ये यहाँ से गाइज आपके हाइड हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका मिडिल से स्वाइप करेंगे तो गाइज आप होम पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे आप होम पे पहुँच जाएंगे अगर आपको ऐसे स्वाइप करा जाएगा तो, ठीक है, और स्वाइप करके होल्ड रखेंगे तो रिसेंट टास्क में पहुँच जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बैक करना है तो गाइज इस तरीके से आप बैक कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको इस साइड से भी करना है तो आप इस साइड से भी बैक कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप नेविगेशन जो बटन रहते हैं इनका फीचर समझ गए होंगे गाइज। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।